सुनहु राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेहो। तो क्या बोल रही है? सुत स्नेह इत बचन होत संकट परई नरेशु। एक तरफ आपका प्रेम, दूसरी तरफ मेरा वचन। सकउत आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। यदि इतनी आप में हिम्मत है कि आप वचन मान के 14 बरस जा सकते हैं तो बात है, नहीं तो दुख तो रहेगा राजा जी को। क्या करेंगे राम? आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? माता माताओं बंधु, राम जी तो प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। आनंद निधान है राम जी, मुस्कुरा दिए, वो भी मन में मुस्कुराए। मन में मुस्कुरा के राम जी कहते हैं, अरे माता, इससे बड़ा सौभाग्य किसी पुत्र के लिए क्या हो सकता है? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु चरण अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता, इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है? यदि पुत्र अपने माता पिता का तोषण कर दे तो। पोषण नहीं कहा है, पोष निहारा नहीं कहा है, तोष निहारा कहा है, तोषण। और माताओं बंधुओं, माता पिता कभी भी पैसे से संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर बच्चा पैसा खूब कमाता होगा तो उससे संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट होते हैं सेवा से, आदर से, सत्कार से, आज्ञाकारी पुत्र हो जाए। आजकल तो मैं ये देखता हूं कि समाज में बड़े बड़े लोग बात केवल एक ही करते हैं कि अगर बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी निकल जाए, समझ जाइए जीवन का सब कुछ मिल गया, बाकी तो सब आता जाता रहता है। राम जी से सीखिए। माताओं बंधुओं, 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, यहाँ राज अभिषेक होने वाला था, लेकिन एक तनिक भर भी कहीं माथे पर शिकन नहीं है। मन मुस्काई राम कुल भानु कुल भानु। तो माता केकई ने कहा, एक बात बताओ राम, सचमुच सचमुच आपको कोई दुख नहीं है इस बात का? उन्होंने कहा, क्या बात कर रही माता, दुख? अरे मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की, इससे बड़ी प्रसन्नता और किस बात की हो सकती है? तो कहा, किस बात की प्रसन्नता है? राम जी कहते हैं, माता मुनिगन मिलन बिशेखी बन और सब ही भाति हित मोर तिन महापितुआ यसु बहोरी सम्मत जननी तोर। एक पंथ दो काज तो सुने थे, हम लोग कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, लेकिन आप बताइए, एक पंथ और चार चार काज हो रहे हैं, और क्या चाहिए? पहला काज मुनिगन मिलन, दूसरा तेहि माह पितुआ यसु बहोरी, तीसरा सम्मत जननी तोर, और चौथा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू जाऊ न जाऊ बन ऐसे का जा तो प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। तो माता माता, मूढ़ों की लिस्ट में सबसे पहला मेरा नाम होगा मूर्खों की लिस्ट में, यदि इतना सब बनने के बाद भी और मैं ना जाऊं बन। अरे माता, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं इस बात को लेके, मैं तो बड़ा खुश हूं, लेकिन मुझे एक ही बात रह रहे कि मैं उस खुश नहीं हो पा रहा हूं मन से, मैं उस खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक ही बात की चिंता बार बार लग रही है। माता ने कहा, क्या बात की चिंता लग रही राम? बोले थोड़े ही बात, ये तो मुझे बड़ी छोटी सी बात लग रही, 14 वर्ष का वनवास, बड़ी छोटी बात मत। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी होत प्रतीति न मोहि महतारी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुखी कोई होता है क्या माता? सच सच बताओ, सच सच बताओ माता, और कोई बात है ना? माता के कहने का, नहीं नहीं नहीं, बात तो यही है, बात यही है राम। माता के कई क्या समझ रही जानते हैं? माता के कई समझ रही है कि राम जी शायद नौटंकी कर रहे हैं, झूठ मूठ का नाटक करने का, शरीफ बनने का नाटक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है मालूम है आपको? एक बात समझ लीजिए, साधु चोर लंपट अज्ञानी आप समान सकल जग जानी। साधु सबको साधु समझता है, चोर सबको चोर समझता है,
लंपट सबको लंपट समझता है, अज्ञानी सबको अज्ञानी समझता है। हमको नहीं आता तो इनको कैसे आता होगा, हम नहीं कर पाए तो वो कैसे कर लेंगे, सबको समझता है। माता उसी प्रकार कई बार आपका सरल स्वभाव, आपका सहज स्वभाव सामने वाला ये भी समझ लेता है कि हो सकता है कि आप कोई स्वार्थ ना हो, आप इतना प्रेम से बात कर रहे हैं कोई आपका कोई काम ना हो। ये समाज बहुत, आपको बताऊं, इस समाज का बहुत बड़ा हाथ है लोगों को चतुर बनाने में, लोगों को षड्यंत्रकारी बनाने में समाज का भी कम हाथ नहीं है। सरलता से रहना सबसे कठिन काम है भाई, ज्यादा सरल भी रहेंगे तो लोग आपको शोषण कर लेंगे आपका, इसलिए बहुत बैलेंस लेके चलने का आवश्यकता है इस समाज में। भगवान श्री राम के चरित्र से देखिए कितनी सुंदर बात करें, माता माता पिताजी को सचमुच इसी बात का दुख है तो बड़ी छोटी सी बात है, माता 14 वर्ष तो बहुत छोटी सी बात है, माता के कई समझ रहे हैं कि नौटंकी कर रहा है ये मेरे सामने। तो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान। गोस्वामी जी ने, मैं आपको कल भी कहा था, गोस्वामी जी ने नहीं बख्शा है माता कैकेयी को, और सबने बिल्कुल क्लीन चिट दी है, यहां तक कि भगवान श्री राम ने भी दी है, लेकिन गोस्वामी जी ने कुमति कुटिल करी जान। कैसे बोले, चलई जोक जिमि वक्र गति यद्यपि सलिल समान। इस अर्धाली का अर्थ तो वही समझ पाएगा या तो जो पुराना व्यक्ति होगा यहाँ पे, या जो गांव का होगा, या जिसने नदी नहर नाले देखे होंगे ढंग से। जोंक जो होती है ना, नदी की प्रवाह सीधा भी रहता है ना तो भी वो टेढ़ा टेढ़ा चलती है, टेढ़ा टेढ़ा चलती है। उसी प्रकार इतनी सीधी सीधी भगवान श्री राम की बात में भी टेढ़ा टेढ़ा अर्थ निकाल रही है माता के कई, टेढ़ा टेढ़ा अर्थ निकाल रही है। राम जी ने कहा ऐसा है माता, बस मैं तैयार हो जाऊं अपनी माता से और आज्ञा मान लूं, मैं जाने को तैयार हूं माता, अपनी माता से माता कौशल्या से आज्ञा मांग लूं और फिर मैं जाता हूं। अब माताओं बंधुओं, प्रभु श्री राम निकल गए और निकले तो माता कौशल्या इंतजार कर रही है उनका। माता कौशल्या तो सोच रही हैं कि राम सबसे पहले मेरे पास आ जाए, क्यों? देखिए राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, और राज अभिषेक की जो प्रक्रिया होती है ना, वो राज अभिषेक की प्रक्रिया आप तो खैर होना बंद हो गई है, अब तो भाई आप ये समझ लीजिए कि जैसे विवाह की प्रक्रिया होती है, जैसे दूल्हा होता है उसी प्रकार मिलती जुलती है भाई, जनेऊ उदाहरण होता है और संस्कार होते हैं, उसी प्रकार राजाभिषेक की भी प्रक्रिया होती है। तो जैसे राजा की जिस दिन राजाभिषेक होता है और जिस दिन दूल्हा का विवाह वाला दिन रहता है, दूल्हे वाला, वो दोनों का वो दिन बड़ा दयनीय होता है, कोई बहुत अच्छा दिन नहीं होता वो उनके लिए। क्यों? इसलिए नहीं रहता है क्योंकि नाना प्रकार के संस्कार रहते हैं, कर्मकांड रहते हैं, लोग घेरे हुए हैं, आप गुस्सा भी नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है कि कोई कह रहा है ये लगा लो टीका, कोई कह रहा है यहाँ से पैर इधर कर लीजिए, कोई कह रहा है कि जनेऊ पहन ली, आप जो जो करवा रहा है वो आप चुपचाप करते जा रहे हैं। कब भोजन मिलेगा, कब पानी मिलेगा, कोई बात की गारंटी नहीं है, आए आए किसी बात की कोई गारंटी नहीं है, कब भोजन कब पानी क्या। तो माताओं बंधुओं उसी प्रकार आ जाइए, उसी प्रकार माताओं बंधुओं राज अभिषेक की भी सिस्टम रहता है। तो माताओं बंधुओं मैं ये बात कह रहा था कि माता कैकेयी के बाद राम जी जब माता कौशल्या के पास जाने लग गए तो दूल्हे की बात कह रहा था कि दूल्हा जिस प्रकार से बेचारा दीन हो जाता है उस समय। माता कौशल्या को मालूम था कि राम जी कहीं राजा जी के पास सीधे ना चले जाए, राज्य अभिषेक की जो प्रक्रिया है उसमें ना चली जाए, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही राम जी आए, माता कौशल्या कहती हैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जाओ सबसे पहले स्नान कर लो, फिर जाओ मन भाव मधुर फल खाओ और भोजन कर लो साथ में, क्योंकि माता को सदैव इस बात की चिंता रहती है कि मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं है, चाहे वो उसका शरीर एकदम गोल मठोल क्यों ना हो जाए खा खा के, लेकिन जब भी वो कहीं से बाहर आएगा, कहीं से भी बाहर आएगा तो ये लगेगा दुबले हो गए,
पहले से कमजोर हो गए हो, चाहे वो और मोटा क्यों ना हो गया, तो यही कहती है माता कौशल्या की भी चिंता है। तात जाहु बलि बेगी नहाओ, जौ मन भाव मधुर फल खाओ, पितु समीप तब जाए उ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। पिताजी के पास तभी जाना जब खा पी ना लो, बिना खाए पिए मत चले जाना राम, वरना फंस जाओगे वहां पे। राज अभिषेक की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, हम सब जानते हैं राम। तो भगवान श्री राम ने कहा, माता ऐसा है कि राज अभिषेक तो हो गया, माता राज अभिषेक हो गया है मेरा। तो माता ने कहा, इतने जल्दी राज अभिषेक हो गया, ये कैसी प्रक्रिया हुई, कब राज अभिषेक हो गया, हमको तो मालूम नहीं पड़ा, हम सब लोग प्रतीक्षा में थे राज अभिषेक के। भगवान श्री राम कहते, माता दरअसल हमारे पिताजी का जो राज है ना, वो इतना बड़ा है कि उस राज को बांटने में थोड़ी दिक्कत है, एक व्यक्ति अकेले नहीं उस राज को संभाल सकता। तो क्या किया गया है कि भाई राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया, एक एक हिस्सा है शहर और एक हिस्सा है ग्रामीणांचल जंगल। कहने का अर्थ है, इसको और अच्छे समझिए, एक है डेवलपिंग और एक है डेवलप्ड। अब आप एक बात बताइए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, या हम लोग कहते हैं ना स्मार्ट सिटी बन रही है और ये बन रहा है, महानगर है और नगर है, इस प्रकार जो बात करते हैं, जो नगर है या महानगर है, उन महानगर में सड़क बिजली पानी इसकी कोई कमी तो है नहीं, सड़क भी ठीक है, बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है। तो वहां क्या करना है, वहां की जो गवर्नमेंट है, जो डीएम है, जो सरकार है, वहां उनका क्या उत्तरदायित्व है, वहां उनका उत्तरदायित्व है केवल कर वसूलने का, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, केवल पैसा वसूलने का, रेवेन्यू अंग्रेजी में शब्द है। लेकिन जो ग्रामीणांचल है, अरे वही जब बिजली नहीं होगी तो बिजली का बिल कहां से लोगे आप, जब सड़कें ही नहीं होंगी तो रोड टैक्स कहां से लोगे। तो वहां के डीएम का क्या उत्तरदायित्व है, वहां की सरकार का क्या दायित्व है उस क्षेत्र के लिए, वहां है कि पहले सड़क बनाए, पहले बिजली सब जगह घर घर बिजली लगे, घर घर पानी जाए, जल की व्यवस्था रहे, बाद में ना टैक्स लेंगे। तो आप ये बताइए कि ज्यादा जिम्मेदारी का काम कौन सा है, टैक्स लेना या वो सड़कें पानी बनाना, सड़क पानी बिजली देना, सड़क पानी बिजली देना वो ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, माता दरअसल बात ये हुई कि भरत है छोटा और मैं हूं बड़ा, तो छोटा भरत उतनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगा, उसको वो वाला राज्य दे दिया गया है जहां पे केवल रेवेन्यू लेना है, यहां पर केवल टैक्स लेना है, शहर शहर का, नगर नगर का, और जहां पे विकास करना है, जहां पे सड़क बिजली पानी की व्यवस्था हमको सुचारू रूप से देनी है, वो सारा जितना राज है वो मुझको दे दिया गया है, मेरी जिम्मेदारी बांट दिया गया है, राज्य बड़ा था माता। अच्छा राम ऐसा भी हुआ है क्या, हाँ माता। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मुझको पिताजी ने जंगल का राज दे दिया, तो आयसुदेव मुदित मन माता, और जे ही मुद मंगल कानन जाता। आप बस आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए, मैं बड़ी प्रसन्नता से जाना चाहता हूँ, आप भी उतनी ही प्रसन्नता से दीजिए, बहुत जिम्मेदारी है माता, बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, जंगल का राज संभालना है। बरस चारि दस बिपिन बसी, करी पितु बचन प्रवान, आए पाए पुनि देखी हूं मन जन करसी मलान। जरा भी दुखी मत होना, बस 14 वर्ष माता आज्ञा पालन कर लूं, अरे आज्ञा पालन करके मैं आता हूं। माता की, माता कौशल्या ने इतना सुना कि क्या राम, 14 वर्ष का वनवास मिल गया है तुमको, और तुम इस प्रकार से बात कर रहे हो, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, केवल इतना सुना कि करी पितु वचन प्रवान, पिता ने वचन दिया है किसी को, कहीं कोई वचन की बात है, पिता की आज्ञा नहीं है, पिता का वचन है। तो माता कहती हैं कि पिताजी ने वचन दिया और वचन को प्रमाण करना है आपको,
या पिताजी को अपने वचन को प्रमाण करना है? पिताजी को भी तो अपने वचन को निर्वाह करना है। राम जी तो पिताजी के वचन को निर्वाह करने गए ना। माता कहती है, राम धिक्कार है ऐसे वचन पर, धिक्कार है ऐसे सत्य पर, धिक्कार है ऐसे शास्त्रों पर, पुराण पर, धिक्कार है ऐसे धर्म पर जो भगवान से दूर करता हो। पहली बार मैंने सुना कि सत्य भी भगवान से दूर करने के लिए होता है। माता कौशल्या बिलखते हुए कहती है, राम सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे। गीता वाली अयोध्या कांड में उल्लेख है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। माता कौशल्या विलाप करते कहती हैं, सुनहु राम मेरे प्राण प्यारे, बारहुं सत्य, सत्य को भी बार दो, बारहुं सत्य वचन श्रुति सम्मत, जात हो पिछुरत चरण तिहारे। सबके ऊपर धिक्कार है, सबको वार दूं आपके ऊपर। वाह, बिनु प्रयास सब साधन को फल, पायो सो तो नहीं संहारे। जब फ्री में मिल जाता है ना कुछ, मुफ्त में, तो मुफ्त में मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। माताओं बंधु, माता कौशल्या यही कह रही है कि कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप मिल क्या गए प्रभु, तो शायद समझ नहीं आ रहा लोगों को आपकी कीमत। वाह, बिनु प्रयास सब साधन को फल, पायो सो तो नहीं संहारे। और हरि तज धर्मशील बन चाहत, नृपहि बचन बस सर बस हारे। माताओं बंधुओं कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखा मैंने, पहली बार देखा कि भगवान को त्यागने के बाद कोई धर्मशील बनना चाहता है भगवान को ठुकरा के। वाह क्या बात है, नृपहि नारी बस सर बस हारे, शायद कुछ ना कुछ। कहते हैं, राम एक बात बताओ, राजा जी तो तुमसे बड़ा प्रेम करते थे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। करी पितु वचन प्रमाण, राज देन कह शुभ दिन साधा, कहे उजान बन के ही अपराधा। अरे उनने तो इतनी तैयारी की थी, राजा जी ने तो सब तैयारी राजाभिषेक की कर ली थी, क्या अपराध हो गया। तात सुनावहु मोहिन दानु, कि को दिन कर कुल भयउ कृसानु। कौन है जिसने ये आग लगाई? राम मैं जानती हूं कि वो चक्रवर्ती सम्राट तुमको दूर कर दे अपने से। अरे विश्वामित्र जी महाराज रोते बिलखते रह गए, लेकिन दो टूक जवाब दे दिया था, विप्र वचन नहीं कहे वो बेचारी, राम देत नहीं बनाई गोसाई, दो टूक जवाब वो दे देंगे, तुम्हें त्याग देंगे, कोई और है। राम सच सच बताओ कौन है, सच सच बताओ कौन है। माताओं बंधुओं देखिए संस्कार, एक बच्चे के संस्कार देखिए, मतलब है तो हमारे प्रभु लेकिन मनुष्य रूप में आए, मनुज अवतार लिया है। राम जी का हर आचरण हमारे लिए आदर्श है। हम रामो विग्रहवान धर्मा की चर्चा कर रहे हैं। माताओं बंधुओं आचरण देखिए क्या होना चाहिए परिवार में। और मैंने आपसे कहा भी था कि अयोध्या कांड परिवार के लिए संजीवनी बूटी है। आजकल मैं देखता हूं कई परिवार में, और आप लोग भी देखते होंगे, कि छोटे छोटे बच्चे, पांचवी छठवीं सातवीं के बच्चे भी अपनी माता से मौसी की बुराई कर रहे हैं, मौसी से चाची की बुराई कर रहे हैं, चाची से किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं। माने परिवार में आग लगाने का काम बच्चे ही कर रहे हैं। अगर मौसी ने चाची ने डांट दिया, कह रहे अभी बिस्कुट मत खाओ, तो रोते हुए चले जाएंगे कि उन्होंने बिस्कुट के लिए हमको मना कर दिया। तो मम्मी कहेंगे अरे ऐसे कैसे मना कर दिया हमारे रहते हुए, तुम्हें और खरीद के ले आएंगे। माने बड़ों के बीच में कलह करने के बच्चे कारण बन रहे हैं आजकल, एक दूसरे के भिड़ा देना। और आप देखिए राम जी को, राम जी से माता कौशल्या ने कहा, सच सच बताओ राम कौन है, कौन है जिसने ये आग लगाई है, मैं अभी देखती हूँ उसको। बोल नहीं पा रहे, नाम नहीं लिया एक बार, चुप खड़े। तो बगल में मंत्री का बेटा भी खड़ा हुआ है, निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहे वो बुझाई, तो सुनी प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाए। मौन हो गई माता कौशल्या, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, ये भी सत्य हो सकता है जो बात आज मैं सुन रही हूं,
केकई ने ऐसा किया। केकई तो कहते थे कि राम से ज्यादा प्रिय मुझे कुछ नहीं है, भरत के लिए उन्होंने आज ऐसा कर दिया, क्या करूं क्या करूं। अभी तक तो कह रही थी बताओ मुझे को दिनकर कुल भयो कृसानु, अभी देखती हूँ राम। अब देखिए धर्म संकट, जब पूरी बात पता पड़ गई, भारत जी का राज्यभिषेक भी होना है, राम जी का वनवास होना है। वाह, तो राखी न सकही न कह सक जाहू दुहु भाति उर दारुन दाहू, हरे लिखत सुधाकर लिखिगा राहू विधि गति बाम सदा सब काहू, धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भय गति सांप छछूंदर केरी। माता कौशल्या की स्थिति ऐसी है माताओं बंधुओं, ज्योतिष में आप जानते होंगे कि चंद्रमा का साइन जो होता है उसको टेढ़ा कर दो तो राहु हो जाता है। वो जो ज्योतिषी होंगे वही, गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, कहां से क्या खींच के लाते, लिख रहे थे चंद्रमा लिख गया राहु क्या हो गया, और स्थिति वही हो गई जो सांप और छछूंदर की होती है। हम लोगों के यहाँ मान्यता है ना कि यदि सांप छछूंदर को खा लेगा तो मर जाएगा और निगल देगा तो अंधा हो जाएगा। दोनों तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्या करें माता कौशल्या। लिखत सुधा कर लिखिगा राहू विधि गति बाम सदा सब काहू, धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भय गति सांप छछूंदर केरी, राखौ सुत ही करहूं अनुरोध। अगर बेटे को रख लेती हूँ आज बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कि धर्म जाय पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, पिता मतलब राम जी के पिताजी की आज्ञा है, पतिदेव का वचन है। धर्म जाय और बंधु विरोध। लोग कहेंगे वाह ये देखो भाई भाई में झगड़ा हो गया वही राज के पीछे, और कहूं जान बन तो पड़ हानि, और अगर चले गए राम तो मेरा क्या होगा, इस अयोध्या धाम का क्या होगा। माता कौशल्या मन में सोच रही हैं, कहे उजान बन तो पड़ हानि संकट सोच भी बस भई रानी। एक तरफ संकट है, एक तरफ सोच है, एक तरफ संकट है अयोध्या के ऊपर, एक तरफ सोच है अपने धर्म को लेकर, क्या करें क्या करें। तो क्या किया जानते हैं, एक एक झड़ में माता कौशल्या ने अपने मात्र धर्म को त्याग कर और पत्नी धर्म को स्वीकार कर लिया, राज माता के धर्म को स्वीकार कर लिया। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, धर्म और प्रेम इन दोनों में अंतर देखना हो ना तो इस प्रकरण को देख लीजिएगा। हम और आप कहते हैं प्रेम प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नाराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषः, धर्मेण हीनः पशुभिर समानः। जो व्यक्ति धर्म विहीन है ना वो पशु के समान है, पशु के समान। प्रेम और धर्म में अंतर समझना हो तो इतना समझ लीजिए कि परमात्मा के लिए प्रेम सर्वोपरि है और जीवात्मा के लिए धर्म सर्वोपरि है। हम लोग प्रेम की आड़ लेकर के धर्म विहीन आचरण नहीं कर सकते। सूत्र की बात मैं कह रहा हूं, एक जज कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके सामने यदि उसका बेटा आ गया और ये बात तय हो गई कि उसके बच्चे ने मर्डर किया है, तो जज ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं अरे मेरा बेटा है, मैं तो उससे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं फैसला नहीं दूंगा, फैसला देना तो मेरे ही अधिकार में है ना, नहीं दूंगा मैं तो उसको बाईजत बरी करा, कर ही नहीं सकता। पंच परमेश्वर की घटना कथा आप लोगों ने सुनी होगी माताओं बंधुओं, कहने का अर्थ है जब व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठता है ना, जब पंच की कुर्सी पर बैठता है यानी जब धर्म के तराजू में सबको तौलता है, तब उसको ना कोई अपना है ना कोई पराया है, यही होना चाहिए। माता कौशल्या को देख लीजिए क्या कर रही है, बहुरी समुझती धर्म सयानी और राम भरत दो सुत समझानी,
दोनों बेटों को एक जैसा मान रहे हैं। माताओं बंधुओं, हमारे यहाँ तो दो बहनें और दो बहनों के अलग अलग बेटे, देवरानी जेठानी दोनों के अलग अलग बेटे, उनको एक जैसा प्रेम कोई कर ले तो समझ लीजिएगा कि राम राज्य है उस परिवार में। यदि देवरानी जेठानी अपने बच्चों को पलट के प्रेम कर ले उतना ही समझ लीजिएगा राम राज्य है। सौत कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य तो यही है ना कि है तो सौतेली ही मां। प्रेम देखिए आप, इतना प्रेम परिवार में होना चाहिए। बहुरी समुझित धर्म सयानी और राम भरत दो सुत समझानी। क्या बोलती है? कहती है तात जाओ बलि कीन्हे उनी का, अरे पितु आयसु सब धर्म कटीका। पिता की आज्ञा मानने से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। राम आपने आज्ञा मान ली, मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूं। तात जाऊं बलि, पिता की आज्ञा पे मना नहीं किया आपने, वाह वाह राम बेटा हो तो ऐसा हो, मैं प्रसन्न हूं आपसे। लेकिन राम एक बात को समझ के आज भी मुझे दुख है, एक बात से मैं चिंतित हूं मैं एक बात से। कहा क्या बात से माता? इस बात से तो चिंतित नहीं है आप कि मैं कैसा रहूंगा जंगल में, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगा वहां जंगल में? माता इस बात से दुखी तो नहीं है? माता कौशल्या ने कहा, राम हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुम हमारे बिना कैसे रहोगे जंगल में, अरे चिंता इस बात की है कि तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहेंगे इस शहर में, अयोध्यावासी कैसे रहेंगे यहाँ पे। राम चिंता तो मैं इस बात की कर रही हूँ। क्या माता? बोले राम राज देन कहा तीनों बन मोहि न सो दुख लेश, लेकिन तुम बिनु भरत ही भूप तही प्रज ही प्रचंड कलेश। राजा जी कैसे रहेंगे, वचन तो दे दिया उन्होंने जल्दी जल्दी में, भारत का क्या होगा राम मैं ये सोच करके चिंतित हूं, ये प्रजा क्या करेगी तुम्हारे बिना राम, मुझे बड़ी चिंता हो रही है इस बात की। राम अभी भी अगर कुछ हो सकता हो तो बताओ, अगर कोई उपाय हो तुम्हें रखने के लिए नहीं राम लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए। देखिए फिर कह रहे हैं एक बात बताओ राम, जो केवल पितुआ यसुताता। देखिए इसी से समझ में आ जाता है कि माता ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिता ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता ज्यादा मात्र देवो भवो, फिर आता है पितृ देवो भव, पितृ देवो बाद में आते हैं। कह रहे हैं जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाऊ जानी बड़ी माता। माता बड़ी है, मैं अभी आज्ञा दे देती हूँ, हम उसके ऊपर और दस्तखत किए दे रहे हैं कि हमने मना कर दिया, जाओ जिससे जो हो सके कर ले। लेकिन आगे क्या कहती है राम, जो पितु मातु कहे ऊपर जाना। फिर देखिए एकता